रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म सर्कस है अंगूर का रीमेक क्या होने वाली है, इस फिल्म की खास बातें और कौन कौन सी लीड एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस की शूटिंग शुरू कर ली है। मुंबई में महबूब स्टूडियो के बाहर रणवीर सिंह को स्पॉट किया गया था। रणवीर द्वारा रोहित शेट्टी संग काम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग मुंबई, ऊटी और गोवा में की जाएगी, जिस अगले साल विंटर सीजन में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को रोहित शेट्टी के साथ भूषण कुमार और रिलायंस एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आने वाली है। ये कॉमेडी फिल्म होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म में वरुण शर्मा भी एक मजेदार किरदार में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि रोहित शेट्टी की इस फिल्म में रणवीर सिंह का डबल रोल होने वाला है। फिल्म शेक्सपियर के प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर से प्रेरित है। वहीं आपको बता दें, फिल्म का नाम पहले अंगूर रखा जा रहा था, लेकिन कॉपीराइट के डर की वजह से सर्कस इसका नाम रख दिया गया है। वहीं जैकलीन फर्नांडिस के हाथ भी ये बड़ी फिल्म लग गई है और आजकल जैकलीन की चारों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि उन्हें एक से बड़ी एक फिल्मों का ऑफर हो रहा है। हाल ही में उन्होंने भूत पुलिस की शूटिंग कंप्लीट की है और अब वो सर्कस के सेट को ज्वाइन कर चुकी है। वहीं बच्चन पांडे में भी उनका नाम जुड़ चुका है, तो कितनी भी वो नज़र आने वाली है, यानी कि बहुत सारी फिल्में जैकलीन के खाते में जाने वाली हैं। वहीं कॉमेडी फिल्म है होने वाली है ये, और रोहित शेट्टी को एंटरटेनमेंट मसाला फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि कोई भी फिल्म इतनी कमाई करे कि जिससे सबका प्रॉफिट हो। वो गंभीर फिल्में बनाने में विश्वास नहीं रखते। किसी बड़ी फिल्म को जो बनाते हैं, उन्हें लगता है कि बस ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, और सर्कस के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको सर्कस का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।